क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई क्लास में बैठे हैं और आपको वहाँ जाके लगा है कि यहाँ पे बैठे सब लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और इनको पता चल जाएगा कि मेरा तुक्के से इस क्लास में एडमिशन हो गया है, मैं इनके जितना स्मार्ट नहीं हूँ। इस फीलिंग को बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें आपको लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और मज़े की बात ये है कि जो जितना सक्सेसफुल होता जाता है उसमें ये फीलिंग और भी बढ़ती जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स। मगर इम्पोस्टर सिंड्रोम के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे पहला कि आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, सिंसियर रहते हैं, दूसरों से सीखते हैं। सेकंड, आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपको जहाँ भी ज़रा सा भी शक होता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप फ़ौरन कोर्स करेक्ट करते हैं। मगर कभी कभी ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तब आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि गलतियाँ सब करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम आपको एक इम्पोस्टर जैसा फील हो तो आप शीशे के सामने जाइए, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रख के बोलिए मैं किसी से कम नहीं, और फिर उसको सच साबित करने में लग जाइए।